Okay, let's go. अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब ठीक होंगे। और यहाँ हमारी सहरी का टाइम हो गया और रजानी हो गई है, हमने अपना रोज़ा बंद कर दिया है। तो देखते हैं इंशाल्लाह हमारे आगे के टाइमिंग में क्या होता है। तो यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह सुबह का टाइम हो गया और जुमे का दिन भी है। तो हम जो बंद गोभी है वो हमने अपने गार्डन से तोड़ा है, तो हम आपको इंशाल्लाह अपने गार्डन का टूर भी करवाएंगे अपने प्यारे से गार्डन का। इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगा। ये गोभी हमने जो है मैक्रोनीज़ में डालना है और साथ हमने चना चाट में डाला। तो यहाँ मैं गोभी को जूम इन करके भी दिखा रही हूँ और दूर से भी दिखा रही हूँ ताकि आप मुलायजा फरमाएं हमारे गोभी को अच्छी तरीके से। तो चले आगे चलते हैं, मैं आपको अपने गार्डन ले चलती हूँ। तो यहाँ जो है मैं पुदीना तोड़ रही हूँ चटनी के लिए, क्योंकि हमने जो पकोड़े होते हैं समोसे होते हैं उससे चटनी बनानी होती है। और यहाँ ये फ्लावर्स इतने प्यारे लग रहे हैं, हमारे पूरे स्ट्रीट में ऐसे फ्लावर्स सब ने लगाए हुए तो मुझे बहुत प्यारे लगे। और ये भी सब ने लगाए हुए बहुत प्यारे लगते हैं। जब कोई स्ट्रीट में एंटर होता है और ऐसे ऐसे फ्लावर्स देखते तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है वो स्ट्रीट। तो ये सब ने लगाए हुए तो हमने भी लगा दिए, बहुत प्यारे लगे थे माशाल्लाह। तो ये स्केयरक्रो लगाया हुआ है, मैंने एक दो चमाटे मारी है, इंसान बन के रहो। और ये कि रमज़ान है तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरा तो बहुत अच्छा गुजर रहा है रमज़ान। मुझे भूख भी नहीं लग रही, प्यास भी नहीं लग रही, इबादतें भी बहुत अच्छी तरीके से चल रही हैं। यहाँ हमारा जो है बन गोभी हम काट रहे हैं, आगे कटिंग शटिंग शुरू हो गई हमारी इफ्तारी की तैयारी शियारी। मेरे बहन भाइयों को बहुत भूख लगी हुई थी, बट अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक थी, नॉर्मल थी, मुझे ना भूख थी ना प्यास थी। और मैं अपने बहन भाइयों की यहाँ हेल्प कर रही हूँ, भाई भी साथ हैं वो भी हेल्प कर रहे हैं। तो यहाँ मैं जो है मेरी तो पकौड़े बनाने की ज़िम्मेदारी है, तो मैं ये यहाँ पे साग वगैरह धो रही थी, साफ़ कर रही थी, मिट्टी छट्टी सारी भरी हुई थी, तो मैं उसमें से ये सारा कुछ निकाल रही थी क्योंकि पकौड़े मेरी ज़िम्मेदारी है। तो फिर मुझे उसमें जो है ना मेहनत करनी पड़ती है, तो जले हुए ना हो, कच्चे ना हो, बहुत नखरे होते हैं ना भाइयों के। तो बस ये यहाँ से मैं जो है मिट्टी छट्टी से निकाल रही थी कि साफ़ सुथरे हो जाए। छोटा सा टमाटर था वो गार्डन में पड़ा हुआ था, वो भी मैं उठा लाई साथ में। तो ये कि आपके रमज़ान के रोज़े कैसे चल रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तो बहुत अच्छे चल रहे हैं क्योंकि ठंड ठंड में आए हुए। तो यहाँ हम इसको साफ़ करके धो के इसकी कटिंग करेंगे और हम इसमें आलू भी डालेंगे, प्याज भी डालेंगे और धनिया पुदीना सब कुछ डालेंगे ताकि हर चीज़ का डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट आए। क्योंकि रमज़ान है फिर तली हुई चीज़ें इतनी ज़्यादा हो जाती हैं कि बस बंदे का गला ही ख़राब होता है। और हमारे घर में तो पकोड़े सबको बहुत ज़्यादा पसंद है, इस वजह से हमें रोज़ पकोड़े बनाने पड़ते हैं। तो यहाँ मैंने पकोड़े तलने के लिए डाल दिए थे और मेरा भाई जो है वो मेरी हेल्प कर रहा था। मैंने कहा मैं वीडियो बनाऊँगी और आपने जो है क्या करना है पकोड़ों को देखते हैं, ऐसा ना हो मैं वीडियो बनाती रहूँ और पकोड़े मेरे जल जाएँ और फिर अफ्तारी के टाइम में कुछ भी ना मिले आप लोगों को। तो यहाँ वो मेरी अल्हम्दुलिल्लाह हेल्प कर रहे भाई माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बहुत हेल्पफुल हैं, बहुत हेल्प करते हैं। तो यहाँ वो पकोड़े निकाला था, नीचे मैंने हॉटपॉट रखा हुआ, तो मैंने कहा बस उसी में रख दे जाओ खैर से इंशाल्लाह। तो फिर यहाँ हमने जो है पकोड़े निकाल लिए और साथ साथ हमने मैक्रोनीज़ के लिए भी उसका पेस्ट वेस्ट जो भी होता है वो हमने तैयार कर रहे थे साथ साथ। तो वो भी साथ साथ चल रहा था, ये भी चल रहा था और बाकी आगे पीछे मैं जो है ना चना चाट भी बना रही थी और साथ साथ जो है दही बड़े भी बना रही थी, क्योंकि ये तो रमज़ान की एक दस्तरखान की एक शान होती है। अगर इसमें वो ना हो पकौड़े शकोड़े तो फिर मज़ा नहीं आता, क्योंकि तलने तली हुई चीज़ें बहुत ज़्यादा थी। तो मैंने कहा यार मैं समोसे जो है बेक ही करूँगी। तो फिर यहाँ मैंने हल्का सा ऑयल लगाया और पहले से ओवन गर्म करके मैंने उसमें तलने के लिए रख दिया। तकरीबन आधे घंटे बाद मैंने अपनी चादर पर ये निकाल दी जिसमें मेरी अम्मी बहुत गुस्से में थी, लेकिन मैंने निकाली क्योंकि आगे पीछे कोई कपड़ा मुझे नज़र नहीं आ रहा था। तो यहाँ जो है साथ वालों ने हमारे घर समोसे पकौड़े भी भिजवा दिए, चना चाट भी था, दही बड़े भी थे, मीठे थे लेकिन अच्छे थे। जैसा कि लेट नाइट दोबारा से भूख लग जाती तो मुझे भी दोबारा से लेट नाइट भूख लगी, तो मैंने अपनी लेने के सुनाए और साथ में चाय मैंने बनाई और वो मैंने पी खाई। तो इसी के साथ हम अपना ब्लॉग भी एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट भी जरूर कीजिए कि आपको किस तरह की वीडियोज़ पसंद आती हैं। तो फिर हम लोग ब्लॉग एंड करते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। हाफिज़।